हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक के बारे में। इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। तो जो ये ब्रेक होता है, इसको ड्रम ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होते हैं, दो शू होते हैं, H1 और H2, दो शू होते हैं। ठीक है, जो O1, जिनका एक एंड O1 और O2 पे पाइवोट होता है और अदर एंड क्या होता है, कैम के कॉन्टेक्ट में से लगा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। हम क्या, इसमें क्या होता है कि जो ब्रेक शू होते हैं, इनके आउटर सरफेस पे ब्रेक लाइनें लगी होती है जो यूजली फेरेडो मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, जिनका कॉफिशियन ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें कैम भी लगी होती है। कैम एक पेडल मैकेनिज्म से लगी होती है जिसे हम प्रेस करते हैं। जैसे प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, जो कैम होता है आपस में रोटेट होती है। जैसे कैम आपस में रोटेट होती है तो जो शू होते हैं वो बाहर की ओर एक्सपांड होते हैं, है ना। जैसे ही बाहर की ओर एक्सपांड होते हैं तो ये ड्रम के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ड्रम के कांटेक्ट में आते हैं तो इन शू और ड्रम के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है, है ना, जिसके कारण ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है। जैसे ही हम पेडल पे से फोर्स को रिमूव करते हैं तो कैम क्या होती है, अपनी एक्सिस पे रिटर्न घूमती है पोजीशन पे आने के लिए, और जो स्प्रिंग होता है दोनों शू को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों शू क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैम लगी हुई है, ये कैम लगी होंगी, ये सर्कुलर, ये जनरली इलिप्टिकल फॉर्म में होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ये जो कैम होती है ये एक लीवर मैकेनिज्म से कनेक्ट होती है जिसे हम प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम जैसी पावर अप्लाई करते हैं ना, फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो कैम अपनी एक्सिस पर रोटेट होने लगती है और वो शू को मोशन प्रोवाइड करती है, आउटपुट मोशन प्रोवाइड करवाती है इस टाइप से, जिससे शू और ड्रम के बीच में के हाई फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण हमें ब्रेकिंग मिल जाती है। और इस ब्रेक का यूज़ जनरली हम 4-व्हीलर 2-व्हीलर में करते हैं। ये जो ड्रम होता है ये डायरेक्टली एक्सल पे माउंटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ये है इसका डायग्राम, है ये है इसका 2D डायग्राम, कभी एग्ज़ाम में आपको पेपर में आता है तो आप इस डायग्राम को ज़रूर बनाएं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ थ्योरी भी मैंने बताई गई, जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वो ये पूरी थ्योरी है, बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ भी अलग नहीं है। कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।